जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे यदि आप ज्वाइन करते हैं झारखंड स्टेट में, तो आपका प्रमोशन कैसे होता है? तो आप सभी को पता होगा, जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है झारखंड में, लेवल 6 का है, जिसका ग्रेड पे 4200 है। एक प्रमोशन के बाद आपका AE में प्रमोशन होता है, जो कि लेवल 9 है और जिसका ग्रेड पे 5400। उसके बाद आपका प्रमोशन EE के पोस्ट पे होता है, जिसका लेवल 11 है एंड ग्रेड पे बहुत अच्छा 6600 है। ग्रुप A का पोस्ट है, यानी DC लेवल के पोस्ट पे आप आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, तो कितने दिनों के बाद आपका प्रमोशन असिस्टेंट इंजीनियर पे के पोस्ट पे हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद आपका प्रमोशन ऑब्वियसली सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट पे होगा, जिसका लेवल 13 है एंड ग्रेड पे 8700 है। और फाइनल आपका प्रमोशन जो होगा चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे होगा, लेवल 14 का, 10,000 ग्रेड पे है, ठीक है? उसके बाद आपका प्रमोशन जो होता है वो आपका इंजीनियर इन चीफ जो होते हैं, जो स्टेट में मोस्टली एक रहते हैं, यहाँ पे WRD की बात करूँ मैं, यानी वाटर रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे इंजीनियर इन चीफ का पोस्ट 2 है। इंजीनियर इन चीफ 1 जो है वो मेजर मीडियम देखते हैं और 2 माइनर देखते हैं, ठीक है? और अदर डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो यूजुअली एक इंजीनियर इन चीफ होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप यदि JEE में ज्वाइन करते हो, तो यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, इवन चीफ इंजीनियर तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है? तो बी प्रैक्टिकल मुद्दे की बात करते हैं कि यदि आपका JEE के में सिलेक्शन हुआ है इस साल, तो आपका प्रमोशन कितने साल में असिस्टेंट इंजीनियर में हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल रेफरेंस के लिए बात करें दोस्तों, तो 2013 की जो बैच JEE का था, WRD की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों का प्रमोशन अभी यहाँ पे 2023 में हुआ है, ठीक है? और आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 साल लग गया है। ये मैं WRD डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और अदर डिपार्टमेंट में भी प्रमोशन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम आपका जो है ना 8 to 10 ईयर्स तो लगना ही है, ठीक है? उसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद UDST की बात करें दोस्तों एंड DWST की बात करें, तो ये दोनों डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रमोशन है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? एलिजिबल की बात करें दोस्तों, 5 से 6 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए। तो DWST एंड UDST के लिए थोड़ा फायदा कि उन लोगों का प्रमोशन जल्दी होगा, बट कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, बट चांसेस ज़्यादा है। RCT वालों को चांसेस बहुत कम है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे आप सभी को पता होगा, अभी जस्ट रिक्रूटमेंट हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर का JPSC के थ्रू, और ये जो पोस्ट है AE का, इसमें प्रमोशन भी हुआ है JEE से ही, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है AE का, और तुरंत ये खाली नहीं होने वाला। एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि JPSC AE का पोस्ट कब आएगा। अभी ना AE का पोस्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब स्ट्रेंथ काफ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि 2025 के बाद ही आएगा, ठीक है? यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अदर एग्जाम्स में फोकस कर सकते हैं, लाइक SSC JEE हो गया, और अभी जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको JPSC AE के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, ठीक है? उसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट जो एग्ज़ाम होता है JEE लेवल का, AE लेवल का, अदर स्टेट PCS के द्वारा, तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उसके लिए बेस्ट है जो प्रीवियस ईयर बुक आता है यूथ का, आप वो मंगा लें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? देखो सिलेक्शन क्वेश्चंस बनाने से होता है, ठीक है? नोट्स रिवीजन एंड जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने से नहीं होता। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ता है सिलेक्शन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में ऑलरेडी फिट हो जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो की है प्रिपरेशन का, कोई भी एग्ज़ाम का, आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और रिवीजन करिए, एंड अपने आप को इवाल्युएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उसको दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है? तो इससे रिलेटेड या कोई अदर टॉपिक में वीडियोज़ चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ सब्सक्राइब कर देना यार।